योगी जी के बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खास तौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही। योगी जी के बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही। और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है, किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ नौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। इस चुनाव का मुद्दा साफ है, नौजवानों को नौकरी दिलानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ। और बहुत अच्छी व्यवहार जो अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, उस पर भी अखिलेश जी बताएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है, किसानों को फैसला करना है और नौजवानों को फैसला करना है। ये वो सरकार है जिसने कीले बिछाई, अवरोधक बनकर काम किया। ये वो सरकार है जो चुनाव के इतने बिल्कुल पूर्व संध्या पे भी जब बजट लाती है, किसानों के लिए कुछ नहीं। केंद्रीय बजट में आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, मध्यम वर्ग गरीब किसान के लिए इस पूरे बजट में कुछ नहीं। 34% तो नरेगा का बजट काट दिया। नरेगा वो योजना है जिसमें कम से कम कोविड के महामारी के दौरान जब लोग पलायन करके घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, कुछ ना कुछ आर्थिक सुरक्षा उनको दी गई, सहायता उनको दी गई, और 34% उस योजना का बजट काट दिया। एक भी बार वित्त मंत्री ने उस योजना का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया। और शायद जब से निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री बनी है, हालांकि उनका बजट भाषण जो है वो मुझे लगता है पीएमओ ज्यादा लिखता है, वो खुद तय नहीं करती, शायद जितने बजट भाषण दिए उन्होंने एक ही बार नरेगा योजना का जिक्र किया। तो उस गरीब वर्ग को उसके उत्थान के लिए हम फैसले लेगी और किसान को सम्मान मिले, सही समय पर भुगतान गन्ने की खेती कर रहे किसानों को मिले और कानून की व्यवस्था सख्त हो,
इस ओर हमने बड़ा संकल्प लिया है। केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं, अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो सरकार आज मदद कर सकती है सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले यह तय था कि 10 और 12 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 100 डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी। और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी, गर्मी नहीं भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा।